हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीत शर्मा, आपका टीचर, आपका मेंटर। और आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल्स के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने लास्ट पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले लास्ट पार्ट देख ले। जैसा यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़, आज का टारगेट क्या है, डिफरेंट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज़ वाले सेगमेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, लाइक का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशंस चला जाए। ठीक है, तो आज जो शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टीज़ का, कई प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट इंटीग्रेशंस की, एक एक करके बात करेंगे। एक्चुअली कई सेगमेंट्स में डिफरेंट इंटीग्रल्स के लेक्चर्स हैं, आज हम लोग सिर्फ पहले तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इसमें भी पहले दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, तीसरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल करेंगे जिसमें एरिया का इस्तेमाल होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में। क्या है वो प्रॉपर्टीज़, जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले पिछला वीडियो जरूर देख लें। क्या है प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मैंने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किया, अगर डिफरेंट इंटीग्रल का वेरिएबल मैं बदल दूँ, यानी अगर f ऑफ t dt कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मुझे इंटीग्रेट करने के लिए कहा 0 से पाई बाई 2 साइन x dx। अब देखिए यहाँ इंटीग्रल का वेरिएबल x है तो ये x बराबर पाई बाई 2 x बराबर 0 है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हिडन है इसमें। अगर कुछ भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो लास्ट क्लास में हमने देखा था उसको क्या कंसिडर करेंगे, जो मेरा डी एक्स लिखा हुआ है, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। अगर आप इसको बनाने जाओगे तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा, जीरो से पाई बाई टू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 1। अगर यहाँ बेटा जी साइन टी डी टी होता तो, और जीरो से पाई बाई टू, अब कुछ नहीं लिखा है तो फिर से टी बराबर जीरो से टी बराबर पाई बाई टू, अगेन इसका क्या वैल्यू आता, माइनस साइन टी आता, फिर से जीरो से पाई बाई टू, अगेन आंसर क्या आ जाता, वन आ जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेरिएबल क्या है आपका, यानी आप यहां स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार आपको मदद करेगा। आज के सेगमेंट में शायद इससे रिलेटेड सवाल हम लोग एग्जैक्ट इसके यूज पर वाला सवाल नहीं करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर्स में इसके यूज वाला सवाल आज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, मैंने क्या किया, लिमिट को उलट दिया और मैंने b से a एफ एक्स डी एक्स दे दिया, तो क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू, दोनों एक दूसरे का निगेटिव आएगा। यानी a से b एफ एक्स डी एक्स और b टू a एफ एक्स डी एक्स, दोनों एक दूसरे का निगेटिव। बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि फाइव डैश एक्स बराबर एफ एक्स है, इसका मतलब है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर मैंने लिमिट ए टू बी रखा है तो ये ए टू बी, यानी दिस इज फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। और अगर मैंने मान लीजिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदल करके बी टू ए कर दिया, तो बी टू ए करने से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव ऑफ एक्स बी टू ए, दिस इज फाइव ऑफ ए माइनस फाइव ऑफ बी। जरा कंसिडर कीजिए ना, इस वाले वैल्यू में और इस वाले वैल्यू में क्या फर्क है, दोनों एक दूसरे का निगेटिव आ रहा है, बात समझ में आई, ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव आ रहा है। तो ये दोनों एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हाँ सवाल आएगा उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी जो ज्यादा अहम है, वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट सेगमेंट में बात कर रखा। आज कोई वैसी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं कर रहे हैं जिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन की प्रॉपर्टी समझने के लिए जरूरत है। दिस वन इज पार्ट टू, ऐसे कई पार्ट्स आएंगे, अगले पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएगी, इसलिए अगले पार्ट को मिस मत कीजिएगा। ये कहता क्या है कि इसको आप दो टुकड़े में कर दीजिए, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस वन तीसरा नंबर, क्या है प्रॉपर्टी, यहां जो कंडीशन है ये थर्ड प्रॉपर्टी पे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आज का। अमूमन लिखा ये रहता है कि सी जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, लिखा यही रहता है कि सी जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ये बिल्कुल सेफ साइड है। पर अगर कहीं पर मान लीजिए कि ये सी ए और बी के बाहर चला जाए, तब क्या होगा, तब माइट बी और माइट नॉट बी ये प्रॉपर्टी होल्ड ना करे। तब दिक्कत क्या आएगी, मान लीजिए कोई फंक्शन है, समझिएगा इसको, जैसे अगर इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जीरो से पाई कॉस एक्स या साइन एक्स डी एक्स, मान लीजिए यही प्रॉपर्टी है।
आपने क्या किया, इसको कहा कि अच्छा सर इसको हम जीरो से पाई बाई टू पे तोड़ेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई टू से लेकर के पाई साइन एक्स डी एक्स। हमने कहा बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, जीरो से टू पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस टू पाई से लेकर के पाई। सर थियोरेटिकली ये गलत नहीं है, अभी भी दोनों सही है, क्लियर। यहां जो हमने सी चुना था वो ए और बी के बीच में चुना, यहां जो सी चुना ए और बी के बाहर चुने, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि सवाल ये होता रूट अंडर टू माइनस एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कहता और क्वेश्चन होता जीरो से टू तक, और आपने मान लीजिए कि यहां पर ये खुराफात कर दिया कि जीरो से थ्री रूट अंडर टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस थ्री से लेके टू रूट अंडर टू माइनस एक्स डी एक्स, अब तो ये ब्लंडर हो गया ना। क्यों ब्लंडर हो गया? क्योंकि यहां जो आपने थ्री चुना है, टू और थ्री के बीच का पार्ट तो डोमेन में ही नहीं है, तो यहां नहीं कर सकते। इसीलिए सेफ साइड में ये बोला जाता है कि सी शुड बी इन बिटवीन ए एंड बी। लेकिन कई क्वेश्चंस में सी बाहर भी करके अगर आप ले ले थ्योरेटिकली तो गलत नहीं होगा, प्रोवाइडेड ए से लेकर के सी तक, बी से लेकर के सी तक फंक्शन डिफाइंड हो और कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूटी भी डिस्टर्ब होने से फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड केस में ही बात करते हैं, सी जो है वो ए और बी के बीच में। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, जनरलाइज करने का मतलब क्या है मेरा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन से सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 सी एन माइनस वन टू सी एन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी एन से बी एफ एक्स डी एक्स। कई बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा ए से सी वन बड़ा है, सी वन से सी टू बड़ा है, डॉट डॉट सी एन माइनस वन सी एन, कई बुक में ऐसे लिखा रहता है, कई बुक में यहां यहां इक्वालिटी डाला रहता है, और कई बुक्स में हर जगह पर इक्वालिटी डाल दी जाती है। सब सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर इक्वालिटी मान लो कि ए और सी वन बराबर हो जाते हैं, वैनिश कर जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी जो हमने 10 इंटरवल में डिवाइड किया 10 की जगह 9 इंटरवल रहेगा। मान लीजिए बीच के सब बराबर हो जाए, क्या अंतर उससे पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये गलत नहीं। अब कई सवाल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस थर्ड वाले प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड होगा। चलिए करके देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। दो चीजों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, एक डिफरेंटिएशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस बिटवीन द टू वर्टिकल लाइन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी। दो चीजों का इस्तेमाल, एक तो ये तीसरा प्रॉपर्टी और डिफरेंटिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किस सेंस में, जब एफ एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं बनाना, दिस वन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल एक्स को अपने को इंटीग्रेट करना जीरो से लेकर के थ्री तक, मान लीजिए यही सवाल है। कई लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, फ्रैक्शनल एक्स का मतलब क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ है, ठीक है, वन टू थ्री। चूंकि ग्राफ जो है वन पे टूट गया, टू पे टूट गया, थ्री पे टूट गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे जीरो से वन फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स प्लस वन से टू फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स प्लस टू से थ्री फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो हर इंटरवल तो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है ना, यही निकाला ना एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये वन किस में लेंगे, इसमें लेंगे या इसमें लेंगे, अगर वन इस इंटरवल का पार्ट होगा तो वी आर गेटिंग, मतलब है तो वन इसी इंटरवल का पार्ट ना। एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सी बात, अगर मैंने किसी फिगर से एक पॉइंट को रिमूव कर दिया या एक पॉइंट को ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, एरिया पे कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स एंड लाइंस हैव नो एरिया, क्लियर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वन आप यहां पर ओपन में ले रहे हो कि वन क्लोज में ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए जब हम बात करते हैं ना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की, तो ए क्लोज से बी क्लोज हो चाहे ए ओपन से बी ओपन हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों साइड क्लोज या दोनों साइड ओपन, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप चाहो इस हिस्से का एरिया क्या आएगा, हाफ यूनिट, इस हिस्से का एरिया क्या आएगा, हाफ यूनिट, इस हिस्से का एरिया क्या आएगा, हाफ।
आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 3 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 फ्रैक्शनल x dx, बाय ज्योमेट्रिकली यू कैन से 3 into 1 by 2 दैट इज 3 by 2। मान लीजिए एक सवाल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है, और कहा गया है 0 से लेकर के 3 तक सेम। अब देखिए कैसे, कुछ लोग कहेंगे कि सर हर इंटीग्रल पे ग्राफ टूटेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही आप कह रहे हो, हर इंटीग्रल पे ग्राफ टूट गया। ये देखिए मेरा भी टूट गया हर इंटीग्रल पे। अब कहने वाले लोग कहेंगे कि सर क्वेश्चन में तो ये क्लियर नहीं है कि 3 क्लोज तक जाना है कि 3 ओपन तक जाना है, तो जो 3 क्लोज की वकालत करेंगे यही आएगा ना, और इस हिस्से में तो हाइट ही नहीं है, तो जो 3 क्लोज की वकालत करेंगे उसके लिए तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा ना, अब एक पॉइंट का तो कोई एरिया होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको चाहो तो आप 0 से 1 एक पार्ट बना दो तो एरिया क्या आ गया 0, 1 से 2 एक पार्ट बना दो एरिया क्या आ गया 1, और 2 से 3 एक पार्ट बना दो तो एरिया कितना आ गया 2, यानी फाइनल एरिया कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट या 3 यूनिट, आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है। तीन इंटरवल में हम लोगों ने अलग अलग कर करके इसको सॉल्व कर लिया। अब जिनको कम समझ में यहाँ पे आ रहा होगा बात, वो इसको तीन इंटरवल में बांटेंगे, और जिनको फिगर दिख रहा है उनके लिए बड़ा आसान है, जिनको नहीं दिख रहा है वो करेंगे क्या कि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब 1, और इंटीग्रेट कर करके वो एक्चुअली ऐसे बनाएंगे 0 से 1, 1 से 2, कलर बदल देता हूं, ठीक है, 2 से 3, दिल गो लाइक दिस। इस हिस्से में वो कहेंगे कि सर 0 आएगा वैल्यू, 0 का इंटीग्रेशन 0, इस हिस्से में जैसे कि 1 आएगा वैल्यू, सर 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, इस हिस्से में 2 आएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, ठीक है, और 2x का इंटीग्रेशन 2 से 3 के बीच में अगेन 2 आ जाएगा, एक तरीका तो ये। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को जनरलाइज करता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे सवाल लिखता हूँ, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे दिए जा रहा हूँ, जिसको अभी कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। देखिए एक सवाल है फ्रैक्शनल एक्स को इंटीग्रेट करना 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन या यही क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहा है 0 से a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फ्रैक्शनल x dx, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस यहां पर मेरा फंक्शन x ही हो गया, यहां पर फंक्शन a है पहला। दूसरा 0 टू x फ्रैक्शनल x dx, या इसकी जगह क्वेश्चन दिया रहा है 0 टू a, a बिलोंग्स टू रियल नंबर फ्रैक्शनल x dx। अब हमें नहीं पता ना कि कहां पर खत्म हो रहा है, ये दोनों सेम हुआ। इसके अलावा तीसरा सवाल फ्रैक्शनल x dx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, चौथा नंबर फ्रैक्शनल x dx माइनस x के ग्रेटेस्ट इंटीजर से प्लस x के ग्रेटेस्ट इंटीजर तक, पांचवा नंबर माइनस x से प्लस x फ्रैक्शनल x dx। दीज आर द फाइव क्वेश्चंस इसको क्या बनाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx 0 टू a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सातवां नंबर सवाल है 0 टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसकी जगह पर सिंपली ये भी लिखा रह सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी जगह पर सिंपली x भी लिखा रह सकता है जैसे ऊपर में था, क्लियर है। ये दो बड़े अच्छे अच्छे सवाल हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये दो क्वेश्चंस बड़े अच्छे सवाल हैं जो मैंने बाद में लिखा, कैसे बनाएंगे इनको। इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दोनों में फर्क है 0 से a, a के बारे में मैं अब कुछ नहीं बता रहा हूँ, a क्या है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लीजिए, a बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लीजिए, a क्या है मुझे नहीं पता, ये के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्या होगा। तो ये बड़े अच्छे दो सवाल यहाँ पर मैंने क्रिएट किए हैं 8th और 9th, ऐसे कई और क्वेश्चंस हैं जिसको मैं कहिए तो मैं लिख देता हूँ, कुछ सवाल अभी हम लोग करेंगे इसमें से, ठीक है, कुछ सवाल अभी हम लोग इसमें से करके देखेंगे क्या होगा। तो चलिए फ्रैक्शनल एक्स वाले से शुरू करते हैं, एक फ्रैक्शनल एक्स का बता देता हूँ और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन नंबर अपना देख लीजिएगा कौन सा नंबर था क्या था, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लाइन खींचा, यहाँ एक, ठीक है, दिस वन इज
अब देखिए फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ, वन टू, क्लियर। आगे मान लेते हैं कि एक्स जो है मेरा वो 5 पॉइंट या कुछ भी आप सोच लो 6.2 है, मान लेते हैं ये आखिरी इंटरवल है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये 6 हो गया, 6 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटर ऑफ एक्स, ये ठीक इसके पहले का इंटरवल है, दिस वन इज ग्रेटेस्ट इंटर ऑफ एक्स माइनस वन, यहां पर कहीं आपका एक्स रहा होगा। देखिए समझने के लिए आप ये x आपका रहा होगा, तो ये जो गैप दिख रहा है दिस गैप इज नथिंग बट फ्रैक्शनल x होगा, ये जो गैप दिख रहा है यहां से यहां तक का, ठीक है, ये हाइट कितना आएगा, दैट वन इज आल्सो फ्रैक्शनल x। अब जरा सोचिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल और एक छोटा सा ये ट्रायंगल, इतना ही है ना। अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, यहां तक सब आइडेंटिकल है, बस ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया में फर्क आएगा, इसका क्या आएगा, बेस फ्रैक्शनल एक्स, हाइट भी तो फ्रैक्शनल एक्स होगा क्योंकि ये तो ट्रायंगल जो बन रहा है ये राइट एंगल आइसोसेलेस ही तो बन रहा है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो फ्रैक्शनल एक्स इनटू फ्रैक्शनल एक्स बाय 2, यही आएगा। अब देखिए क्वेश्चंस आपका दिया रहे 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स, एक्स को अगर हम अब इसको अगर हम ए मान ले तो 0 से ए ग्रेट फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स बन रहे हैं या ए टाइम्स बन रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू 6.2 है तो 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो दिस विल बी हाफ इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अब आखिरी हिस्सा, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से एक्स फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स, सर इसकी जगह ए रख दीजिएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो हिस्सों में बांटेंगे ना, 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तक बांटेंगे इसको और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से एक्स तक बांटेंगे, बात समझ में आई, तो इस हिस्से का आंसर आ जाएगा दिस अपॉन 2 प्लस फ्रैक्शनल एक्स का स्क्वायर बाय 2। अब मान लीजिए मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया ए से, तो जब ए नेचुरल नंबर होगा तो ये पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तब आंसर क्या आ जाएगा, ए बाय 2 सिर्फ, और अगर ए नेचुरल नंबर नहीं होगा तो उसका क्या आ जाएगा, ए बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल ए का स्क्वायर बाय। अब देखिए अगर मैं ए नॉन नेचुरल नंबर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं तो ए अगर नेचुरल नंबर होगा तो ये वैनिश कर जाएगा ना सीधे, सिर्फ उतना ही हिस्सा आपका आंसर आ जाएगा, बात आपको साथ समझ में आ रही होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए क्योंकि पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो चीजें नहीं समझ। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए एक्स को 6 पॉइंट समथिंग ही लेके डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग लिए अगर, या और कम करके भी देख सकते हैं। अब देखिए ये -1 है, ये -2 है, डॉट 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 बीच में समझिएगा, 6 पॉइंट समथिंग अगर मैंने ले लिया, थोड़ी देर के लिए इस दिमाग में लगाइएगा, तो ये -6 है, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग का, यहां पर आपका -6 आएगा, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, दिस वन, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, दिस। कैसे समझिएगा, क्यों एक लूप बढ़ गया, क्यों एक लूप बढ़ गया ये समझिए, जैसे देखिए 6.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.3, अगर -6.3 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -7, तो इधर में यहां तक जो लूप आ रहा है 6 आ रहा है, जबकि यहां तक जो लूप आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, 7 आ जा रहे हैं, तो यानी जो ट्रायंगल की संख्या होगी इस साइड में बढ़ जाएगा, किस क्वेश्चन में ट्रायंगल की संख्या बढ़ जाएगी, याद है एक क्वेश्चन मैंने दे रखा था जिसमें लिमिट था -x के ग्रेटेस्ट से +x के ग्रेटेस्ट तक, तो जितना इधर लूप होगा उससे एक ज्यादा इस केस में आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 2 का दुगना प्लस हाफ, इस केस में ध्यान दीजिएगा अंदर है माइनस है, लेकिन अगर इसी माइनस को मैं बाहर कर दूं तो जितना इधर उतना ही उधर, तो आंसर इसका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 2। सबसे मजेदार ये वाला सेगमेंट है -x से एक्स फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स। देखिए बड़े आसानी से आप समझ सकते थे, जैसे मैंने 6.3 लिया तो ये 0.6 है, ये 6.3 है, यहां दिस वन इज -6, दिस वन इज -6.3, क्लियर है, तो इस मार्क से लेकर के इस मार्क तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा आधा बट गया नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस से लेकर दिस तक, यहां तक आधा आधा बट गया, और आप सिंपली कहेंगे दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 2, ये हिस्सा तो आपको निकल गया, प्लस प्रॉब्लम
ये हिस्सा और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका नहीं, ये पर पार्ट प्रॉब्लम है। देखते हैं, प्लस माइनस एक्स से लेकर के निगेटिव साइड का, प्लस ग्रेटेस्ट से लेकर के एक्स साइड का पार्ट, यही है ना। लिख नहीं रहा हूं जगह की कमी से, क्लियर। इसको मिटा देता हूं, पहले से आपके पास है ये, तो जरा समझिएगा। अगर मैंने 6.3 के लिए ही सोचे, 6.5 के लिए सोचेगा तो आप नहीं इमेजिन कर पाए। ये 0.3 है, ये हाइट 0.3। यहां देखिए माइनस 6.3, तो ये गैप 0.3 है, तो ये हाइट कितना होगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको मेरा चेहरा, नहीं बोर्ड, ये हाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां बना के दिखाता हूं। ये सिचुएशन है माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6.3, ये गैप कितना है, ये गैप 0.7 है, तो ये हाइट कितना होगा 0.7। हमें ये हिस्सा चाहिए था, हमें ये हिस्सा चाहिए, तो हमने इस रेक्टेंगल में जो छोड़ा है वो एक्चुअली यही हिस्सा है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर करूं या फिर मैं इसको उसके साथ जोड़ दूं तो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये वाला हिस्सा इसके साथ। तो इन दोनों का सम या तो ये रेक्टेंगल कर लीजिए या फिर ये रेक्टेंगल कर लीजिए। तो दैट वन इज हाउ मच, 0.3 × 1 ना, यानी ये पूरे का पूरा सम कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल x इंटू 1 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल x, दिस वन इज x। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, माइनस 6.3 से 6.3 तक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या आएगा, 6.3 आ जाएगा आंसर। आप करके देख लीजिए आंसर 6.3 कैसे, देखिए ना, इधर 6/2 इधर 6/2, दिस वन इज 0.3 × 0.3/2, ठीक है, 0.3 × 0.3/2। और इस साइड में क्या होगा, ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 0.7 × 0.3/2। ट्रेपीजियम है ना, ये हिस्सा ट्रेपीजियम है ना, जोड़ के देखिए ना फाइनली वो कितना आ जाएगा, वो 0.3 के बराबर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रोक दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बता देता हूं और, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, ठीक है, ताकि आप उसको भी बना लीजिए। एक देख लीजिए बस, ये देखिए, ये मैंने ग्रेटेस्ट का ग्राफ बनाया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। यहां देखिए, ठीक है, ये हिस्सा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको डीप कर दे रहा हूं थोड़ा। मान लीजिए यहां पर है आपका एक्स, अब इसको आप चाहे तो x बोलो या तो a बोलो, तो ये जो हाइट है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x है, और ये जो ठीक इसके नीचे का वैल्यू हो जाएगा ना, ये जो पॉइंट होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x होगा, ये जो पॉइंट होगा ये दिस माइनस वन होगा। सवाल ये उठता है कि आपको एरिया क्या निकालना है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की एक खासियत है, क्या खासियत है, हर रेक्टेंगल का बेस 1 यूनिट है और हाइट एक एक करके बढ़ता जा रहा है, नहीं, लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जो आपको मैंने, मैं दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका हाइट तो चलिए ठीक है, इसका हाइट तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स के बराबर है, पर इसका जो बेस है वो कितना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स, दैट इज फ्रैक्शनल एक्स। सवाल क्या आया, सवाल है 0 से ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल एक्स को निकालने के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका एरिया 0, इस हिस्से का एरिया 1 × 1 1 1 × 2 2, आखिरी क्या होगा, आखिरी यही लूप होगा ना, इस लूप का बेस तो 1 है लेकिन हाइट कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। और अगर इस अगर मेरा क्वेश्चन होता 0 से x तो क्या करते, सॉरी यहां ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स कर दीजिए, अगर 0 से x होता तो क्या करते, ये पूरा का पूरा तो एज इट इज जोड़ते ही, प्लस ये आखिरी हिस्सा इज दिस इनटू फ्रैक्शनल एक्स। अब आप कहेंगे सर इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू दिस का वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n × n + 1/2, जहां पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और n की वैल्यू ये ले लेंगे, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस 1/2, इन दोनों को जोड़ दीजिए 0 से x तक का आ जाएगा।
तो क्वेश्चंस चाहे जीरो से ग्रेटेस्ट इंटरेक्स हो चाहे जीरो से एक्स हो, करना क्या है, सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज राइट टू मी, जितने मैंने सवाल दिया उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी समस्या हो प्लीज वीडियोस पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, पढ़िए अच्छे से, थैंक यू।